नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इसवरा मिस्ट्री। दोस्तों, दुनिया में अजूबों की कहाँ कमी है, क्योंकि कहीं नदी में सोना बहता है तो कहीं पेड़ों पर पैसे लगने की कहानियाँ सामने आती हैं। और वैसे भी हम बचपन से ऐसे एक राजा की कहानी के बारे में सुनते आ रहे हैं कि उस लालची राजा को एक ऐसा वरदान मिला था कि वो जिस चीज़ को छुएगा वो चीज़ सोने की हो जाएगी। वैसे तो वो एक कहानी ही थी जिसे हम बचपन में सुना करते थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा सच में हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा सही में हुआ है। लेकिन यहाँ पर कहानी बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि यहाँ पर उस राजा की जगह एक जादुई झील में ऐसी ताकत है जो हर चीज़ को सोने की जगह पत्थर का बना देती है। और ये झील की कहानी और कहीं नहीं बल्कि उत्तरी तंजानिया में आए हुए लैक ऑफ नेट्रॉन की कहानी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस झील में जाने वाले छोटे से बड़े पशु पक्षी देखते ही देखते पत्थर बन जाते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस झील में ऐसा कौन सा रहस्य छुपा हुआ है जिन्होंने इनको ऐसी हालत में लाकर छोड़ दिया। तो चलिए जानते हैं इस लेक के बारे में। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक बार फेमस फोटोग्राफर निक ब्राइडेंट लेक के मिस्ट्री को सुलझाने के लिए यहाँ आने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो इस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने ऐसा रहस्यमय नज़ारा देखा कि वो थोड़ी देर तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाए, क्योंकि इस झील के किनारे पर कुछ पशु पक्षियों का मृत शरीर पत्थर बन चुका था और उनकी ऐसी हालत की वजह भी साइंटिफिक रिएक्शन था जिसकी वजह से वो पानी में भीगने के बाद पत्थर हो गए थे। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस झील में जानवरों के अवशेषों के साथ कुछ ऐसी डेड बॉडीज भी मिली थी जिनका शरीर लेक में आए हुए पानी को छूने की वजह से पत्थर बन चुका था। और उनमें से एक चिड़िया तो ऐसी हालत में मिली थी जो एक मगरमच्छ के शरीर के ऊपर बैठी हुई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस झील के आसपास के किनारे का भी यही हाल था। दोस्तों, निक ब्राइडेंट ने जब अपनी फोटो बुक अक्रॉस द रेवेज लैंड लिखी थी, उस बुक में उन्होंने इस रहस्यमय तरीके से बने हुए लेक के बारे में बताया था कि कोई भी निश्चित रूप से इस रहस्य को नहीं जानता है कि ये पशु पक्षी कैसे मरे। और ऐसा भी लिखा था कि ऐसा लगता है कि ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नेचर ने इन्हें ऐसा बना दिया होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर आए हुए पशु पक्षी पानी में गिर गए होंगे। और इस घटना के बारे में ब्राइडेंट आगे लिखते हैं कि पानी में नमक और सोडा की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि इसने मेरे कैमरे की स्याही को कुछ ही सेकंड्स में जमा दिया था। और पानी में सोडा और नमक की ज़्यादा मात्रा ने ही इन पक्षियों के मृत शरीर को अभी तक सुरक्षित रखा है। इस लेक के पानी में अल्कलाइन का स्तर पीएच 9 से पीएच 10.5 रहता है। इस लेक में जितना अमोनिया मिला हुआ है उतना ही अल्कलाइन भी मिला हुआ है, इसीलिए इस लेक का तापमान भी गर्मियों में 60 डिग्री तक पहुंच जाता है। और उस पानी में और भी कई तत्व पाए गए हैं जो ज्वालामुखी की राख में होते हैं, और इस तत्व का प्रयोग मिश्र जाति के लोग मम्मी को सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, ब्राइडेंट ने इन पत्थर बने हुए पक्षियों की फ़ोटो अपनी किताब में रखी हुई है, और वो किताब उस फोटोग्राफी डॉक्यूमेंट्री का तीसरा वॉल्यूम है जिसे मशहूर फोटोग्राफर निक ने पूर्व अफ्रीका में जानवरों के गायब होने पर लिखा हुआ है। इसके अलावा ब्राइडेंट ने अपनी किताब में लिखा है कि सारे पशु पक्षी क्लासिफिकेशन की वजह से चट्टान की तरह मजबूत हो चुके थे, इसीलिए बेहतर फोटो लेने के लिए हम उनमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से उनकी फ़ोटो लेने के लिए हमें उन्हें वैसी ही हालत में पेड़ों और चट्टानों के ऊपर रखकर ही उनकी फ़ोटो लेनी पड़ी थी। यहाँ रहने वाले लोगों की माने
तो कई साल पहले इस जगह पर ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से जानवरों की मौत हुई होगी और इस जगह से कुछ ही दूरी पर आए हुए ज्वालामुखी की राख ने उन पशुओं के शरीर को पत्थर जैसा बना दिया होगा। और दोस्तों, इस झील के आसपास की सारी जगह वीरान पड़ी हुई है और ऐसे ही डरावनी घटनाओं की वजह से इस झील के पास कोई भी नहीं जाना चाहता। वैसे तो दोस्तों, इस झील के बारे में अलग अलग कहानियाँ प्रचलित हैं, लेकिन अभी तक इस झील के बारे में सच्चाई किसी को नहीं पता। खैर, सच जो भी हो, मायने ये रखता है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें रहस्यमय बने हुए लैक ऑफ नेट्रॉन के बारे में। और दोस्तों, यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही रहस्यों से भरी वीडियो लाते रहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का।